सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन को ताकि आपको मिलते रहे हमारे नोटिफिकेशन सबसे पहले। सो हेलो फ्रेंड्स, मैं दर्शन ठक्कर और फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम फॉग लैंप्स का रिव्यू देखने वाले हैं जो मैंने ऑर्डर किया है मेरे बाइक पल्सर RS 200 के लिए। और फ्रेंड्स एक्चुअली मेरे जो बाइक के लैंप्स है प्रोजेक्ट हेडलैम्प्स वो काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन मेरे अभी फ्यूचर प्लान्स है कि मैं कहीं बड़े बाइक राइड पर जाने वाला हूँ शायद, तो उसके लिए जो है मैंने ये फॉग लैंप्स ऑर्डर किए हैं और इसको लगा के जो है मैं ट्राई करने वाला हूँ कि कैसे लगते हैं। तो ये मुझे पैकेज जो है आज डिलीवर हुआ है, तो ये फॉग लैंप्स जो है मैंने ऑर्डर किए हैं amazon.com पे से और मैं आपको इसके लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो पहले इसके अनबॉक्सिंग देखते हैं और फिर इसका इंस्टॉलेशन कैसे है वो देखते हैं और इसके बाद में मैं आपको रिव्यू बताऊंगा और लाइट्स ऑन करके भी सब चीज़ें अच्छे से बता दूंगा कि कैसा वगैरह है। और फ्रेंड्स एक्चुअली अगर सिटी में राइड करें तो फॉग लैंप्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जो बाइक के लैंप्स होते हैं जो नॉर्मल हेड लैंप्स होते हैं वो काफ़ी बढ़िया होते हैं, क्योंकि सिटी में इतना कुछ लाइट की ज़रूरत नहीं होती है। बट हाईवेज पे जब आप राइड करते हो जहाँ पे हिली एरिया होता है जहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स भी नहीं होती है, तो वहाँ पे ऐसे में ये लाइट्स की जो है ज़रूरत पड़ती है और मेनली हाईवेज पे और हिली एरियाज पे। और जो मैं प्लान कर रहा हूँ शायद तक कि मुझे रात को राइड करना पड़ेगा, तो उसके लिए मैंने ऑर्डर करके रखे, तो थोड़ा सा ऐसा करके मैं ट्राई भी कर सकता हूँ कि कैसे है। और फ्रेंड्स ये जो लाइट्स है काफ़ी बढ़िया है, मैंने मंगवाया है AllExtreme ब्रांड की तरफ से। और फॉग लैंप्स जो अगर आप देखोगे अमेजोन पे तो आपको बहुत सारे लैंप्स मिल जाएंगे, लेकिन ये जो लैंप्स है इसके 6 मंथ्स की वारंटी आती है, जो कि काफ़ी चीज़ अच्छी चीज़ है, क्योंकि लैंप्स तो बहुत सारे मिलते हैं लेकिन वारंटी रहना चाहिए। तो मैं लिंक दे दूंगा वहाँ पे आप जाके देख लेना। और ये 18 वॉट्स का लाइट है तो ये भी अच्छा है और LED हेडलैम्प्स है तो भी ठीक है। तो चलो अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं पैकेज के अंदर हमें क्या क्या मिलता है। सो फ्रेंड्स ये है बॉक्स और इसको भी बिना टाइम वेस्ट किए कर लेते हैं ओपन। इसके अंदर है ये लाइट्स, और ये स्विच भी जो है इसके साथ दिया गया है, और स्विच भी जो है ये काफ़ी अच्छे क्वालिटी का है। रखता हूँ साइड में, ये है क्लैंप्स और ये है लाइट्स। तो लाइट की क्वालिटी आपको दिखा देता हूँ मैं, देखिए ये लाइट है और LED लाइट्स है ये, और पैकेजिंग भी काफ़ी बढ़िया थी। साइड में ये जो बबल रैप है ये भी लगा के दिया था, तो ट्रांसपोर्टेशन में डैमेज होने का भी कोई चांस नहीं है। तो फ्रेंड्स अभी मैं चलता हूँ मार्केट में और इसको जो है फिटिंग करवा के देखता हूँ अपने बाइक पे कैसे लगती है और फिर मैं आपको मिलता हूँ। सो फ्रेंड्स ये लाइट जो है मैंने लगवा ली है और यहाँ पर जो है एक होल दिया गया था वहाँ पर मैंने लाइट फिट करवाया, और लाइट्स का जो डायरेक्शन है ये मैंने जानबूझ के थोड़ा सा नीचे रखा है, और यहाँ से जो है वायरिंग लगा दी गई है इधर से, और इधर जो है इसका स्विच है। तो अभी मैं आपको इसको जो है ऑन करके बताता हूँ, इधर स्विच है, मैं इग्निशन ऑन करता हूँ और ये ऑन, तो ये देख सकते हो आप लाइट्स ऑन हो गए। और फ्रेंड्स अभी इतना अच्छे समझ में नहीं आएगा तो मैं जो है आपको ये रात को दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स ये लाइट मैंने लगवा ली है और अभी रात को इसको थोड़ा सा टेस्ट करते हैं। तो पहले इग्निशन ऑन करते हैं और यहाँ पे इसका बटन है मैंने ऑन किया, वे आप देख सकते हो वहाँ पे लाइट, और ये सिर्फ मैंने लैम्प से चालू रखे, जो प्रोजेक्टर हेड लैम्प से वो बंद रखे, वो भी चालू करके दिखा देता हूँ। तो अभी देख सकते हो कि अब जो लाइट्स पड़ रहे हैं एकदम विजिबल है, और ये जो लैंप्स है ये मैंने जानबूझ के इसके जो डायरेक्शन है वो थोड़ा सा नीचे रखा है, तो उसको चाहो तो मैं ऊपर भी कर सकता हूँ बट फिलहाल मुझे इसको नीचे रखना है। तो लाइट्स ओवरऑल देख सकते हो अभी जो रोड है वो एकदम क्लियरली विजिबल है। सो देख लीजिए फ्रेंड्स, फ्रंट से ऐसे लगते हैं और लाइट्स काफ़ी पावरफुल है एकदम, और जो विजिबिलिटी है वो एकदम ही ज़बरदस्त है। तो मुझे तो यहाँ पे लाइट्स की क्वालिटी एकदम ही कड़क लगी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है लाइट्स में।
और मेन तो है कि विजिबल अच्छी से है। और इसको जो है इसका डायरेक्शन थोड़ा सा ऊपर भी किया जा सकता है, बट अभी मैं नीचे ही रहने देता हूँ क्योंकि अभी नीचे ही रखना है। जो है मैं सिटी के अंदर बिल्कुल भी यूज़ नहीं करने वाला हूँ क्योंकि इससे जो है मुझे तो अच्छी विजिबिलिटी मिलेगी, लेकिन जो सामने वाला आदमी रहेगा उसको जो ये लाइट इरिटेट करती है आँखों में और उससे जो है एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो सिटी में मैं यूज़ नहीं करने वाला हूँ, हाईवेज पे और जो हिली एरियाज पे वहाँ पर यूज़ करूँगा जहाँ पर स्ट्रीट लाइट्स वगैरह नहीं रहेगी। और बस फ्रेंड्स आज के शुरू लिखते ही, और अगर आपको बाय करना हो तो आप बिल्कुल बाय कर सकते हो, बिल्कुल अच्छी लाइट्स है, मैंने एकदम मिसो करके भी देखा है, आपको पूरा अच्छे से रिव्यू वीडियो भी दे दिया है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से आप बाय कर सकते हो। वीडियो अगर कोई भी रीजन के लिए अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मैं मिलूंगा आपको हमारे वीडियो में, तब तक के लिए बाय।